हाय गाइस, वेलकम बैक टू डिस्टेंस बिटवीन। मैं हूं शुभम और इस टाइम मैं हूं गंगोत्री धाम में, जो कि उत्तराखंड का एक प्यारा सा मंदिर है और यहां से ही उद्गम होता है गंगा जी का। चार धाम की यात्रा में से एक धाम है गंगोत्री धाम और काफ़ी सारे भक्त यहां पर आ रहे हैं क्योंकि कपाट यहां के भी खुल चुके हैं 3 मई से ही, और जयकारा आप सुन रहे होंगे यहां पर। तो यहां पर आने को लेकर काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न है क्योंकि काफ़ी दूर पड़ता है उत्तराखंड में, और यहां पर कैसे पहुंचा जा सकता है, रजिस्ट्रेशन को लेके भी काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न है, साथ ही दर्शन की टाइमिंग्स क्या होती है, यहां पर होटल्स वगैरह की क्या सुविधा है, खाने पीने की क्या सुविधा है, क्या असुविधाएँ हैं, क्या सुविधाएँ, हर एक छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ करिए माता गंगोत्री धाम के दर्शन। गंगोत्री जाने के लिए आपको हरिद्वार पहुंचना होता है और हरिद्वार से गंगोत्री की दूरी लगभग 290 किलोमीटर है। हरिद्वार से गंगोत्री की डायरेक्ट बस मिलना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आप उत्तरकाशी तक की बस पकड़ सकते हैं। हरिद्वार से उत्तरकाशी की दूरी लगभग 194 किलोमीटर है और इस रूट पर ज्यादातर प्राइवेट बसेस ही चलती हैं। और हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको उत्तरकाशी की बसेस मिल जाएंगी। गंगोत्री यमुनोत्री के इस रास्ते पर सबसे पहले एक थोड़ी सी मार्केट पड़ती है जहाँ पे आगरा खाल नाम की जगह है, और यहाँ से जो दूरी रह जाती है गंगोत्री की 236 किलोमीटर, और न्यू टिहरी है 43 किलोमीटर, चंबा है 32 और उत्तरकाशी है 136 किलोमीटर की। अभी तक की जो रोड रही है वो बहुत ही अच्छी रही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। गंगोत्री तक जाने के लिए मैंने हरिद्वार से घूमो बाइक एंड स्कूटर से स्कूटी हायर की थी और काफी अच्छे प्राइस और सर्विस क्वालिटी के साथ मुझे यहाँ पर स्कूटी मिल गई थी। साथ ही यहाँ पर और भी कई सारी बाइक्स के ऑप्शन थे। काफ़ी देर से काफ़ी अच्छा रास्ता चल रहा था और अब यहाँ पे ये सिचुएशन हो गई है। बीच बीच में अच्छे आ रहे हैं पर बीच बीच में थोड़ा ये कंस्ट्रक्शन वगैरह भी चल रहा है। ये रास्ता इसके बाद कई जगहों पर खराब मिला। गंगोत्री के लिए ज्यादातर टूरिस्ट उत्तरकाशी में रुकते हैं, लेकिन मैं उत्तरकाशी से लगभग 30 किलोमीटर पहले पड़ने वाले चिनिया लिसोड़ नाम की जगह पर रुका क्योंकि यहाँ उत्तरकाशी के कंपैरिजन में काफी सस्ता और अच्छा स्टे मिल जाता है। चिनियासोर एक छोटी सी जगह है और यहाँ पर ये रहा मेरे होटल का रूम, डबल बेड रूम है, काफी स्पेस है। और इसके बाद अगर वॉशरूम में आते हैं तो ये रहा बाथरूम, ये भी काफी बड़ा सा है, वेस्टर्न इंडियन दोनों है इसमें। और यहाँ पर इस सीज़न के टाइम में भी मुझे ये मिला है केवल 800 रुपये में और खाली हैं इधर रूम। तो सुबह सुबह जल्दी यहाँ से निकलूँगा और जाऊँगा वहाँ पे पहुँचूँगा। फ़िलहाल ये रूम है और स्टे मुझे काफ़ी पसंद आया, मतलब 800 रुपये में काफ़ी जेन्युइन प्राइस में मिल गया है। चिन्याली सौड़ के आगे का जो रास्ता है वो बेहद खूबसूरत अब हो चुका है। ये आप देखोगे यहाँ पर पूरी ग्रीनरी दिख रही है और यहाँ पर अगर आप होटल्स वगैरह लेना चाहते हैं तो इसके आगे होटल्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इवन चिन्याली सौड़ में ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है, वहाँ पर सस्ते मिल जाते हैं। आगे आप जाएंगे तो 1000 से कम इस सीज़न में तो मिलेंगे नहीं, लेकिन इस रूट पर काफ़ी होटल्स वगैरह हैं। और बाकी यहाँ पर ये खूबसूरत दृश्य भी आपको देखने को मिलेगा। इस रूट पर आप अपनी पेट्रोल की टंकी फुल करा कर रखें और एक्स्ट्रा पेट्रोल भी बोतल में रखें क्योंकि पेट्रोल पंप उत्तरकाशी के बाद नहीं है और रात को 9 बजे के पहले ही सारे पेट्रोल पंप्स भी क्लोज हो जाते हैं। अभी मैं पहुंच चुका हूं उत्तरकाशी में और उत्तरकाशी देख सकते हैं आप कुछ इस तरह का दिखता है। ये बीच में भागीरथी नदी है, इधर एक ब्रिज आपको दिख रहा होगा, ये पूरा उत्तरकाशी यहाँ पे बसा हुआ है जो कि बहुत खूबसूरत सा लग रहा है। आगे बोटिंग वगैरह भी होती है। अभी यहाँ पे एक स्टैंड भी है, टैक्सी स्टैंड है शेयरिंग का,
अगर आप उत्तरकाशी तक चाहे तो पार्ट जर्नी कर सकते हैं शेयरिंग में, जो कि हरिद्वार ऋषिकेश से डायरेक्ट आपको उत्तरकाशी के लिए शेयरिंग जीप मिल जाती है और उसका लगता है 450 रुपीज़। और अगर देहरादून से आप आते हैं तो देहरादून से लगता है 400 रुपये एक बंदे का, मतलब 400 देहरादून से और 450 रुपये हरिद्वार ऋषिकेश से। और स्टैंड जो है वो उत्तरकाशी में आपको यहीं पे ड्रॉप कर देगा। ये देखो आप, यहाँ पे स्टैंड है और ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर अलग अलग, देहरादून चिन्याली सौड़ डुंडा देवी धार ऋषिकेश हरिद्वार पुरोला, तो सब यहाँ पे लिखा है। और यहीं वाली बस सॉरी ये जाती है शेयरिंग जीप, जिससे आप पहुँच सकते हैं यहाँ तक और वापसी के लिए भी। उत्तरकाशी की ये जो आप देख रहे हैं मेन मार्केट है और यहाँ पर आप ये देखेंगे टिहरी गढ़वाल मोटर ऑनर्स कॉरपोरेशन यहीं ऑपरेट करती है बसेस वगैरह। हरिद्वार ऋषिकेश से अगर आपको आना है या फिर विश्वनाथ सेवा की बस है वो यहाँ तक आती है और 390 रुपये में ही आप पहुँच सकते हैं यहाँ तक उत्तरकाशी तक। और गंगोत्री के लिए आपको कई सारी बसेज हैं जो कि 200 रुपये में गंगोत्री तक यहाँ से पहुँचा देगी। जो टाइम टेबल है वो आप देख सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग अपना प्लान बना सकते हैं, मतलब 390 रुपये में यहाँ उत्तरकाशी पहुँच जाएंगे और उसके बाद आप यहाँ से 200 रुपये में पहुँच जाएंगे गंगोत्री तक, मतलब 590 रुपये में आप गंगोत्री तक पहुँच सकते हैं हरिद्वार से और इजली पहुंच जाएंगे। बस की सर्विस भी अच्छी है, जब भी अपना प्लान करें मॉर्निंग में करें जिससे आप यहां पे इजली पहुंच जाएं और यहां पे स्टे कर सकते हैं और अगले दिन गंगोत्री जाने का प्लान बना सकते हैं। उत्तरकाशी से गंगोत्री की दूरी लगभग 100 किलोमीटर रह जाती है और इसके बाद के रास्ते आपको थोड़े पतले मिलेंगे और कुछ जगहों पर खराब भी। उत्तरकाशी से लगभग 8 किलोमीटर दूर एक ऐसा पॉइंट पड़ेगा जहाँ पर आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे गाड़ी से उतरने से। ये आप देखो, यहाँ पे पहुँच के एक ठंडक सी फील हो रही है और काफ़ी खूबसूरत सा है ये दृश्य। यहाँ पे बैठ भी सकते हो आप, बना हुआ है और ये देख रहे हो क्या फ्लो है। इसके बाद का रास्ता आपको बस प्राकृतिक नज़ारों से भरपूर मिलेगा जिसमें हर वक्त नदी आपके बगल में बहती रहेगी और आप इन रास्तों की खूबसूरती को अपना दिल जरूर दे बैठेंगे। तो पहुंच चुका हूं मैं गंग नानी में और यहां से लगभग 60 किलोमीटर के आसपास है गंगोत्री और हर्षिल है लगभग 34 किलोमीटर ऐसे ही है। सो यहां पर एक गर्म कुंड गंग नानी लिखा हुआ है, गर्म कुंड है जहाँ पे नहाते हैं लोग और बाकी यहाँ पे रेस्टोरेंट है, कपड़े की दुकानें हैं गर्म कपड़ों की, क्योंकि ऊपर अब ठंड धीरे धीरे शुरू हो जाएगी तो इसलिए यहाँ से गर्म कपड़े वगैरह भी ले सकते हैं। और बाकी खाने पीने की दुकानें हैं जहाँ पे आपको ठीक ठाक रेट में खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाएंगी। गंगोत्री धाम तक के रास्ते में कहीं पर भी हमारा यात्रा रजिस्ट्रेशन नहीं चेक हुआ, लेकिन काफी कुछ जगहों पर बड़ी गाड़ियों को रोककर चेकिंग हो रही थी, इसलिए अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन जरूर करवा कर ही जाएं। बीच बीच में पड़ने वाले खराब रास्तों और ट्रैफिक से होते हुए रुकते रुकते लगभग 6 घंटे में मैं 130 किलोमीटर की दूरी कवर करके गंगोत्री धाम तक पहुंच गया। गंगोत्री धाम में मैं पहुंच गया हूं और पार्किंग में अब यहीं पे स्कूटी वगैरह लगा देते हैं, गाड़ी वगैरह दोपहिया और चार पहिया सब इधर ही लग जाती है और यहां पर व्हील चेयर की भी सुविधा है। ये कितने में भैया होता है, कितना लगता है इसका? 450 रुपये आना और जाना मंदिर तक। ओके ठीक है, तो व्हील चेयर की भी सुविधा अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है यहाँ पर। और बाकी ये यहाँ से गेट है और यहीं से अब आपको पैदल चलना पड़ेगा, बाकी व्हील चेयर से जाना चाहते हैं तो व्हील चेयर तक जा सकते हैं, देखते हैं यहाँ से कितनी दूरी है। गंगोत्री धाम में ज्यादातर टूरिस्ट सुबह उत्तरकाशी से जल्दी निकलकर शाम तक वापस आ जाते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो उसकी भी सुविधा है। जैसे ही आप गेट को क्रॉस करेंगे तो आपको यहाँ पर कई सारे होटल्स वगैरह दिखाई देंगे और होटल के रूम्स वगैरह यहाँ पे आपको अच्छे मिल जाएंगे और प्राइस जो होगी मैंने पता किया है 3000 रुपये मतलब डबल बेड रूम का लगेगा। और बाकी ये सब कई सारे आपको मिलेंगे, मतलब आप मान के चले 2000 से 4000 रुपये तक की रेंज का आपको यहाँ पे बजट रखना पड़ेगा एक नाइट अगर आप स्टे करना चाहते हैं डबल बेड में।
पार्किंग से मंदिर की दूरी लगभग आधा किलोमीटर है, जिसके रास्ते में ढेरों खाने पीने, पूजा सामग्री और मेडिकल स्टोर और कई तरह की दुकानें हैं। और इन सभी को क्रॉस करके जल्द ही मैं मेन मंदिर के प्रांगण में पहुंच गया। मंदिर का जो मेन कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ और ये रहा वो मंदिर खूबसूरत सा। और यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे भक्तों की उस तरफ पूरी लाइन लगी हुई है, देखते हैं कितना देर लगता है। और जो पैदल का रास्ता है मुश्किल से आधा किलोमीटर भी नहीं होगा। और इधर ये आप देखो खूबसूरत सा ये माँ गंगा का मंदिर, और ये भक्तों की लाइन धीरे धीरे चल रही है। हालांकि मंदिर की टाइमिंग को लेकर बड़ी कंफ्यूजन रहती है और मैं वो क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मंदिर खुलने का जो समय है वो सुबह 4 बजे मंदिर ओपन हो जाता है, और फिर उसके बाद दर्शन का समय है वो 6 बजे से है। भोग समय यहाँ पे लिखा है 9 बजे लगता है और 15 मिनट कहते हैं कि भोग लगता है और फिर खुल जाता है। और फिर उसके बाद शाम को लगभग 7:45 से आरती होती है और भोग 8 बजे फिर लगता है। मतलब ये टाइमिंग है और इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही आप प्लान करें और उसके प्लान बना के आप आ सकते हैं। फिलहाल करते हैं दर्शन, पहुंचते हैं माँ गंगा के मंदिर में। हालांकि 2 से 3 बजे के बीच मंदिर बंद होता है और इसकी वजह से 3 बजे जब मंदिर ओपन होता है तो आपको लंबी लाइन मिलती है, फिर भी दर्शन जल्दी जल्दी ही हो जाता है। दर्शन हो गए हैं और यहाँ पर अभी तक ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए कुछ भी पूछा नहीं गया, कुछ मांगा नहीं गया और दर्शन बहुत आराम से यहाँ पे हो गया। भक्तों की जो लाइन है वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं थी, केवल 2 से 3 बजे तक के बीच मंदिर बंद होता है, इस वजह से लंबी थोड़ी सी लाइन हो जाती है। अदरवाइज़ ये आप देखो बस यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन है, तो वो मुश्किल से आपको 5 से 10 मिनट लगेगा दर्शन करने में। अभी जो भीड़ भाड़ की बात बहुत ज़्यादा की जा रही है, तो केदारनाथ जी में मैंने दर्शन के लिए देखा है बहुत ज़्यादा भीड़ है और रश है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है गंगोत्री धाम में और ना ही बद्रीनाथ धाम में भी मुझे भीड़ भाड़ दिखी है। तो आराम से यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं और आना चाहते हैं अभी भी तो यहाँ पर आ सकते हैं। मई के सीज़न में बहुत लोग हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि इस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे भी, लेकिन ऐसा नहीं है। केदारनाथ धाम में भीड़ है लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ मुझे नहीं दिखी है। बाकी टाइम टाइम की भी बात होती है, कुछ लोग आते हैं, मैं अभी आज पहुँचा हूँ मंडे के दिन में, तो हो सकता है इस वजह से कुछ कम भीड़ हो, लेकिन ओवरऑल दर्शन करने में जो बाकी लोगों से भी मैंने बात की है तो 15 से 20 मिनट या आधा घंटा एक घंटा भी अगर लगता है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें थी। और होटल्स वगैरह यहाँ पे भी इजिली मिल जाएंगे आपको, आप चाहें तो होटल्स वगैरह आप थोड़ा दूर ले सकते हैं, उत्तरकाशी में ले सकते हैं, आप सुबह आराम से आएँ और यहाँ पे दर्शन करके इवनिंग तक जा सकते हैं और बहुत आसानी से दर्शन हो जाएगा। और उत्तरकाशी में ले सकते हैं या फिर चिनिया सौर नाम की जगह है वहाँ पे आप जाके ले सकते हैं होटल वगैरह, तो ये भी आप कर सकते हैं। दूरी अच्छी खासी है हरिद्वार से, मतलब 200-250 किलोमीटर के ऊपर है दूरी, तो पहुंचने में टाइम तो लगेगा, तो एक दिन यहाँ पर पहुंचने का टाइम आप लेकर रखे रहें तो आसानी से आपके दर्शन हो जाएंगे। मंदिर के किनारे ही घाट भी बना हुआ है और यहाँ स्नान करके भक्त दर्शन करने जाते हैं। जब आया था यहाँ पर तब धूप थी और अभी यहाँ पर हल्की बारिश होने लगी और मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। और ये यहाँ का मेन घाट है जहाँ पर आप देख रहे होंगे स्नान वगैरह भी करते हैं लोग। और ये मौसम अभी हो चुका है स्लो, तो देख के बड़ी ही भयानक टाइप की लगती है, लेकिन दूर से यहाँ पे जंजीर पकड़ के लोग स्नान भी करते हैं और यहीं पे चेंजिंग रूम वगैरह भी बना रखा है। ये रहा यहाँ का घाट, मंदिर से केवल 2 मिनट चल के आप यहाँ पर आ सकते हैं। माँ गंगा को भगीरथी जी के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे मंदिर है जो कि भगीरथी जी की तप स्थली है और उन्होंने जब तप किया था तो माँ गंगा यहाँ पर आई थी। और ये आप देखेंगे ये वो शिला है और यहाँ पर भगीरथी जी का ये मंदिर है, तो यहाँ पर भी आप दर्शन करें, घाट पर ही ये भी मंदिर है। इस मंदिर के प्रांगण में शिव जी, गणेश जी और भी कई भगवान के मंदिर हैं।
वहीं गंगोत्री मंदिर के 300 मीटर पहले पांडव गुफा, सूर्य कुंड और गौरी कुंड जाने का भी रास्ता है, जहां कुंड है और एक अलग नजारा भी। पांडव केव के पास आके आपको ये नजारा दिखेगा, मतलब इस तरफ बहुत सारे लोग नहीं आते हैं, आप जरूर आए, आप स्नो देखेंगे, बहुत ही ज्यादा तेज है, बरसात में क्या हो सकता है क्या इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर शौचालय की भी सुविधा थी और एम्बुलेंस की भी सुविधा देखने को मिली, साथ ही यहाँ मोबाइल का नेटवर्क भी अच्छी तरह से आ रहा था और खाने पीने की सुविधा भी ठीक ठाक थी। गंगोत्री के लिए अब खर्चे की बात कर लेते हैं। गंगोत्री के लिए आपके पास 2 दिन स्टे के लिए होने चाहिए, मतलब आप जब जाते हैं हरिद्वार से उत्तरकाशी तो 1 नाइट स्टे करते हैं और फिर उसके बाद आप आगे जाते हैं, दर्शन करते हैं अगले दिन और वापस से उत्तरकाशी आते हैं, तो 2 नाइट आपका स्टे होता है। इस 2 नाइट के स्टे में आप मान के चलें कि आपका 2000 रुपये पर नाइट का खर्चा 2 एडल्ट्स का होना है, मतलब इतना एवरेज होगा। हालांकि इससे सस्ते में होटल्स वगैरह मिल जाते हैं उत्तरकाशी में, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि फिर बढ़िया होटल आपको नहीं मिलेंगे। जबकि अगर आप चिन्याल रिसोर्ट नाम की जगह पे रहते हैं, रुकते हैं, स्टे करते हैं, तो आपको काफ़ी सेविंग हो जाती है, क्योंकि वहाँ 800-1000 तक में रूम मिल जाते हैं। अब ओवरऑल बजट की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बता दिया, 2000 रुपये पर नाइट 2 एडल्ट्स उत्तरकाशी में आपका रुकने का लग जाएगा, 2 नाइट्स का मतलब 4000 रुपये, और मील्स का आपका लग जाएगा लगभग इस ट्रिप में 2500 से 3000 रुपये आप मान के चले, 2 लोगों का लग जाएगा, और ट्रांसपोर्टेशन का स्कूटी से जाते हैं तो 3000 रुपये लगेगा। तो ये ओवरऑल आपका खर्चा रहेगा। और अब मैं पर पर्सन का खर्चा बता देता हूँ। होटल का मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई 2 लोग एक रूम में रहेंगे तो आपका 2000 रुपये होटल का आएगा, मील्स का भी 1500 रुपये का खर्चा आएगा पर पर्सन का, और ट्रांसपोर्टेशन का स्कूटी से करते हैं तो मान के चल रहा हूँ स्कूटी पे 2 लोग बैठ रहे हैं तो 1500 रुपये लगेगा। तो इसको टोटल करेंगे तो लगभग आपका जो खर्चा आएगा वो आएगा 5000 रुपये का, मतलब 5000 में आप गंगोत्री की ट्रिप चाहे बस से हो, चाहे स्कूटी से हो, और चाहे आप शेयरिंग जीप वगैरह भी हो तो इससे कर सकते हैं। अगर आप 4 सीटर कार से जाते हैं, मतलब कार बुक करके जाते हैं, तो आपको 15 से 20 हज़ार रुपये इस पूरी ट्रिप के लिए देने पड़ सकते हैं। और 15 से 20 हज़ार रुपये में अगर आप काउंट करेंगे पर पर्सन पे, तो जो खर्चा आता है वो आपका अगर 4 लोग बैठते हैं तो 4 से 5 हज़ार रुपये पर पर्सन आता है। तो बाकी खर्चे आपका लगभग सेम ही होगा, और इसको टोटल करेंगे तो लगभग 8 से 9 हज़ार या 7-9 हज़ार में आप घूम सकते हैं, और 4 लोग बैठेंगे, और ज़्यादा 2 ही लोग बैठते हैं तो और ज़्यादा खर्चा होगा, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। यहाँ जाने के लिए आपके लिए जो बेस्ट टाइम हो सकता है वो हो सकता है हमेशा की तरह मई और जून, क्योंकि इस टाइम बारिश नहीं होती, और इसके बाद मानसून का टाइम आ जाता है जुलाई, अगस्त, मिड सितंबर तक, तो उस टाइम अवॉइड करें क्योंकि लैंडस्लाइड्स वगैरह बहुत होते हैं। और फिर उसके बाद मिड सितंबर से आप अक्टूबर के बीच में जा सकते हैं गंगोत्री धाम में दर्शन के लिए। तो ओवरऑल ये टाइम रहेगा, इस टाइम में आप जाएंगे तो आसानी से दर्शन हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर गर्म कपड़े अपने साथ में रखें, रेन कोट रखें, और साथ ही कुछ ज़रूरी मेडिसिंस वगैरह अपने साथ ज़रूर में रखें। मौसम कभी भी करवट लेता है तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, रेनकोट बहुत ज़रूरी होता है। और शाम को बारिश होती है तो हमेशा अपनी यात्रा की शुरुआत मॉर्निंग में 5-6 बजे स्टार्ट कर दें और फिर शाम तक आ जाएं, रुकने का वहाँ पे प्लान ना रखें, वो तो वहीं बेहतर होगा, उसमें बचत भी होगी और वहीं ठीक भी होगा आपके लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा भी आपको कोई चीज़ जाननी है किसी भी प्लेस के बारे में, गंगोत्री के अलावा भी पूरे दुनिया में भी कहीं जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आप हमारी ट्रैवल कंसल्टेंसी फीस 99 रुपीज़ पे करके आप जान सकते हैं, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। साथ ही साथ आप मेरे चैनल लाइफ ऑफ शुभ भी सब्सक्राइब करें, जिससे आपको बहुत सारे ब्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे गंगोत्री से भी रिलेटेड और भी जगह के। सो मेक श्योर नेचर को क्लीन और ग्रीन रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी, थैंक यू फ्रेंड्स।